जब हम छोटे थे तो बचपन में जब भी बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में अचानक देशभक्ति के गीत कानों में आते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, या ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, कर चले हम फिदा जाओ तन साथियों। तो ये जब भी देशभक्ति के गीत आते थे तो ये समझ में आता था कि आप हमें स्कूल जाना है और स्कूल में हमें थोड़ी सी मीठी बूंदी या एक लड्डू मिलेगा और 15 अगस्त की एक छुट्टी हमें मिलेगी। 15 अगस्त सिर्फ हम जैसे बच्चों के लिए उस समय एक छुट्टी मात्र होती थी। जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, इस खुशी में आजादी मनाई जाती है और जगह जगह बहुत सारे जो नेता हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, जिसको झंडे को, तिरंगे को फहराते हैं और खुशियां मनाते हैं। थोड़े और बड़े हुए, टीवी में देखा तो पता चला कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के बड़े बड़े लोग हैं वो सभी इस झंडे को फहराते हैं और बड़ी खुशी का माहौल चारों तरफ होता है, तिरंगे की जय जयकार होती है। ये बात लगभग समझ में आई और बहुत बड़े होने के बाद ये पता चला कि इसी देशभक्ति पे एक भरत कुमार ने पिक्चर बनाई जिनको मनोज कुमार बोलते हैं, और उन्होंने देशभक्ति की पिक्चर बना के बहुत नाम कमाया, लोगों ने देशभक्ति के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान दिए। पर ये सारा का सारा जो मटेरियल है या मामला है ये एक तरफा रहा। एक तरफा इसलिए है क्योंकि ये पहलू जो है, इसका जो फेस है वो वन साइडेड है। ये जो हमें उजला पक्ष दिखाई देता है, ये जो हमें सफेद चेहरा दिखाई देता है, ये जो व्हाइट फेस हमें दिखाई देता है, आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि इसका एक ब्लैक फेस भी है, इसका एक काला चेहरा भी है, इसका एक काला इतिहास भी है। देश आजाद हुआ, उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं, अच्छी बात है, मगर देश गुलाम किसने किया? वो देश के गद्दार कौन हैं जिन्होंने हमारे नौजवानों को कुर्बानी के लिए मजबूर किया? वो देश के गद्दार देशद्रोही लोग कौन हैं जिन्होंने सम्राट अशोक के एक विशाल बृहद भारत के टुकड़े टुकड़े करके और इसको विदेशी लोगों को सौंप दिया? वो गद्दार कौन लोग हैं जिन्होंने पूरा का पूरा देश बेच दिया और जिनका आज तक पता नहीं है? बहुत सारी आप किताबें पढ़ते होंगे मगर एक किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो देश के गद्दारों की पूरी वंशावली बताती हो। ये बेहद जरूरी है उन देशभक्तों के लिए जिन्होंने शहीद अपनी दी है या जिन्होंने शहादत दी है या जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं या जो देश के देशभक्त लोग हैं, वो ये पहचाने कि वो वंशावली, वो वंशज कौन से हैं, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने देश को गुलाम बनाया और उनकी संतानें आज क्या कर रही हैं और वो संतानें हैं कहां, क्योंकि वो छुपे हुए भेड़िए हैं, वो गद्दार लोग हैं। उनका ढूंढना, उनका पता करना बहुत जरूरी है देशभक्त गीतों के साथ साथ देशभक्त गद्दारों की पहचान भी, ताकि हमारा देश दोबारा गुलाम ना हो, ताकि हम दोबारा से गुलाम ना हो, ताकि दोबारा से हमारे नौजवानों को शहादत ना देनी पड़े, ताकि दोबारा से हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा देश में आजादी के लिए ना लगाएं। अगर हम गुलाम ना हुए होते तो आज हम अमेरिका से भी आगे होते, क्योंकि अशोक के समय में हमारा जो व्यापार था और हमारा जो क्षेत्रफल था और जो हमारी राजशाही थी वो दुनिया में सबसे बुलंद थी। यहाँ एजुकेशन सबसे हाईएस्ट लेवल पे थी, यहाँ व्यापार दुनिया भर में होता था, यहाँ दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। ये सारी बातें इसलिए बहुत जरूरी हैं उन गद्दारों को पहचानने के लिए कि वो गद्दार अभी भी कहीं ना कहीं देश को नुकसान कर रहे हैं। इसलिए जो ऐतिहासिक लोग हैं, जो इतिहास के बारे में लिखते हैं या जो समाजशास्त्री हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो हमें इतिहास की ऐसी पुस्तकें उपलब्ध कराएं, वो जानकारी उपलब्ध कराएं, वो वंशावली उपलब्ध कराएं कि जब देश हमारा इतना आजाद था तो उसको गद्दारों ने गुलाम कैसे बनाया और वो गुलाम आज की डेट में क्या कर रहे हैं। और ये भी हमें पता चलना चाहिए कि इस देश को आजाद कराने में किन किन लोगों ने अपनी शहादत दी, कौन कौन से वो लोग थे और कौन से वो लोग थे जो एक साइड में खड़े होकर तमाशा देखते रहे और फिर अचानक जब सत्ता आई तो सत्ता पे काबिज हो गए, या अचानक जब सत्ता आई तो सबसे ज्यादा आगे आ गए। आप याद रखिए कि जो सबसे बड़े देशभक्त जो माने जाते हैं, जिन्होंने ब्लड और जो गन से फाइट की, सुभाष चंद्र बोस, उनके बात का कहीं पता ही नहीं है कि वो कहां गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, उनके वंशजों का पता नहीं है। और ये जो वीडियो जो भी देख रहे हैं वो लोग इस बात का थोड़ा सा जानकारी आगे बढ़ाएं कि वो गद्दार लोग कौन हैं
जिन्होंने देश को गुलाम बनाया ताकि हम दोबारा गुलाम ना बने। धन्यवाद।